जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। चलते हैं हम अपने आज की वीडियो की तरफ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम मोहम्मद खावर है, KFX अकेडमी का ऑनर हूँ। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरा मकसद ये नहीं कि आप लोगों को डिस्टर्ब करना है, मैं आप लोगों के सिर्फ चंद मिनट लेना चाहता हूँ। वो इसलिए लेना चाहता हूँ कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर बेनिफिट दे सकूँ, ठीक है। आज की जो हमारी वीडियो है वो यूरो जेपीवाई के लिए है कि मैंने थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटजी पे एक्सप्लेन करनी है। और कुछ लोगों को भरोसा नहीं होता, ट्रस्ट नहीं होता, फिर मुझे वीडियो बनानी पड़ती है। वो इसलिए बनानी पड़ती है कि लोग कहते हैं कि हो सकता है स्कैम को बंदा कर रहा हो, ये हो सकता है बंदे ने खबर भाई ने चैनल सेल कर दिया हो, या कुछ भी हो सकता है ATC, यानी कि भरोसा दिलवाना पड़ता है। भरोसे के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। और मैंने आप लोगों की वेरीफिकेशन के लिए एक और चीज़ बनाई है, वो हर बंदा जानता है। तो अगर आप लोग मुझे डिस्कॉर्ड के ऊपर फॉलो करेंगे तो डिस्कॉर्ड के ऊपर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। मतलब कि इवेंट इवेंट मैं करवा रहा हूँ, जैसे 1000 मेंबर हो रहा है तो मैंने नई इवेंट करवाना है, जिसमें मैंने आप लोगों को स्मार्ट मनी का कंसेप्ट देना है और एक ही दिन में मैंने आप लोगों को सब कुछ सिखा देना है। और वो मैं वीडियो आप लोग बना सकते हैं, मैं आप लोगों को भी बना के दे दूंगा, ठीक है। नंबर 1, दूसरी होगी हेल्प चैट। यहाँ पे मैं हेल्प चैट भी देता हूँ, अगर कोई बंदा मैसेज करता है तो मैं उसको मैसेज का रिप्लाई भी करता हूँ, ठीक है। तो अभी तक तो मेरे पास तकरीबन को 30-35 लोग हैं, लेकिन जैसे अगर कोई किसी बंदे का कोई भी ट्रेड फंसी हुई है, कोई भी वो मसला है, तो मैं इधर उसकी भी अपडेट देता हूँ, ठीक है। उसके बाद है वेलकम। वेलकम में मैंने जो लिखा हुआ है वो मेरी स्ट्रेटजी है, मीन के जो मैं स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ स्मार्ट मनी की, उसको मैंने शेयर किया हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग इसको मीन के देख के अगर आप उसकी वो कर सकते, वेरीफिकेशन कर सकते हैं, तो बेस्ट ऑफ लक हो गया। अगर नहीं कर सकते, तो जैसे मेरे 1000 मेंबर होंगे, 1000 मेंबर, तो फिर मैं ना आप लोगों के साथ एक इवेंट करूंगा, एक लाइव आऊंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम कैसे इस सारे स्ट्रक्चर को फाइंड करते हैं और ट्रेड लेते हैं और ये मीन के काम करते हैं, ठीक है। यानी कि मैंने अपनी टोटली स्ट्रेटजी शेयर की हुई है। तो बेसिक चीज़ यही होती है कि बंदा अपनी चीज़ शेयर करे ताकि अगले वाले बंदे को भी पता चले कि बंदा क्या है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप लोग क्रॉस ओवर पेयर के वो हैं, लवर हैं, तो आप लोगों को मैं जब भी क्रॉस ओवर पेयर की मीन की एंट्री बनेगी वो मैं इधर चार्ट शेयर करूंगा, ठीक है। और आप लोग उससे मुस्तफ़ी हासिल कर सकते हैं, फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अगर आप लोग मेजर पेयर पे ट्रेड करना चाहते हैं तो मेजर पेयर आप इधर सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको इधर सिर्फ मेजर पेयर ही मिलेंगे। उसके बाद आ गया गोल्ड सिग्नल। गोल्ड के सिग्नल जो है वो मैं यहाँ पे देता हूँ, जैसे देखिए मैंने अपडेट दी हुई है, तो जौन से भी अपडेट बनती है मैं इधर ड्रॉप कर देता हूँ और आप लोग इधर से गोल्ड के, सिर्फ गोल्ड के सिग्नल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। मुझे ज्वाइन करने भी के भी कोई चार्जेस नहीं है और मेरे एनालिसिस देखने के भी कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। हर चीज़ ओपन दे रहा हूँ, ठीक है, इसके कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ पेड सिग्नल के चार्जेस हैं, तो बाकी किसी चीज़ के चार्जेस नहीं है। अगर GBP पेयर के लवर हैं तो आप इधर आप उसको GBP पेयर को इधर देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने फ्री लर्निंग करनी है तो मैंने जो लर्निंग करता हूँ उसकी मैं स्टेप बाय स्टेप देता रहता हूँ, ठीक है। तो मैंने अपनी PDF भी दी हुई है, आप लोग यहाँ से जाके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी मैंने 2 पार्ट दिए हुए हैं, आज मैंने 2-3 पार्ट और देने हैं, वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। बाकी जो रूल हैं स्ट्रेटजी के रूल जो हैं वो मैंने इधर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो बाकी उसके बाद फंडामेंटल न्यूज़ है, न्यूज़ के बारे में मैं बताता हूँ, ठीक है, और एग्जैक्टली बताता हूँ। तो मेरी टीम है जो कि इसमें पोस्ट करती है और वो न्यूज़ के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन देती है। बाकी जो मेजर चीज़ है वो है हमारा सोशल मीडिया। अब जो लोग स्कैम करते हैं वो अपनी हर चीज़ शो नहीं करते, और आप लोगों को पता है कि मैं मार्केट में 10 सालों से बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तो मेरा हक बनता है कि मैं आप लोगों को मुकम्मल ऑथेंटिकेशन दूँ कि आप लोग एक अच्छे बंदे के पास गए हैं, ये स्कैमर के पास गए हैं, ठीक है। अब मेरे यहाँ पे देख लें आप लोग, फेसबुक का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, ट्विटर का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, इनबॉक्स भी है, तो यहाँ पे व्हाट्सएप का लिंक है, यूट्यूब का लिंक है, और यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का भी लिंक है, ठीक है। इनका आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, सारे ऑनलाइन ही होते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों ने मेरी चेक करनी है अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस, तो यहाँ पे मैंने अकाउंट मैनेजमेंट के जो भी सिग्नल देता हूँ, ये जो भी मैं प्रोवाइड करता हूँ, ये जो भी मैं लगाता हूँ, वो मैं इधर शेयर कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन आफ्टर क्लोजिंग में शेयर करता हूँ, मैं पहले शेयर नहीं करता, क्योंकि कुछ सीक्रेट होता है। अब कुछ लोग देखना चाहते हैं वीकली और रिजल्ट के, हम आपको भाई वीकली रिजल्ट क्या रहा है। मैंने पिछले वीक में जो बनाए हैं पिप्स वो 1036 थे, तो आगे मैं इंशाल्लाह अपलोड करता जाऊंगा और प्रॉपर आप लोगों को वीकली आउटलुक भी, वीकली रिजल्ट भी मिलता जाएगा। अब बाकी यहाँ पे एक और चीज़ मैं शेयर करता हूँ, जो पेंडिंग एनालिसिस होते हैं,
ट्रेंडिंग एनालिसिस में मेरा भी बेनिफिट है और आप लोग जो लर्न करते हैं उनके लिए भी बेनिफिट है। इसमें आप लोगों को मेजर ट्रेंड का पता चलता जाएगा H4 के अंदर, और आप लोगों को पता चलता जाएगा कि नेक्स्ट एंट्री खबर भाई की पेड में कौन सी आने वाली है या फ्री में कौन सी आने वाली है। मैं इन्हीं में से ही एंट्रियाँ दूंगा, ठीक है, मैं कोई और एंट्री नहीं देता। तो मैं पेंडिंग में मैंने दिए हुए ये है इंट्राडे सिग्नल, ये मेरा पेड ग्रुप है, ठीक है। ये जो यानी कि लोग मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी कि टेलीग्राम पे देखें तो कुछ सिग्नल मिस हो जाते हैं, व्हाट्सएप पे देखें तो कुछ सिग्नल मिस हो जाते हैं, लेकिन इसमें मिस नहीं होते, ठीक है। जो बंदे मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं वो मीन के इंट्राडे पेड सिग्नल में मैं उनको ऐड करता हूँ, इनमें मैं खुद ऐड करता हूँ, ये बाकी सब लोग फ्री के लिए है, ये सिर्फ पेड वाला है, ठीक है। तो इसमें आप लोग अगर मीन के कोई भी बंदा आता है कहता है मैं डिस्कॉर्ड पे पेड लेना चाहता हूँ, तो उसके भी जबरदस्त मेथड है, ठीक है। बाकी आप लोगों को हर चीज फ्री मिल जाएगी, आप यहाँ पे हेल्प चैट भी कर सकते हैं, इनको कोई भी चैट करेंगे तो मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा, और 24 आवर मैं ऑनलाइन ही होता हूँ, तो आप लोगों को उसी वक्त ही आप लोगों के मैसेज का रिप्लाई मिलेगा, ठीक है जी। अगर आप लोग डिस्कॉर्ड में मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो करने के कोई भी पैसे नहीं है और देखने के भी कोई भी पैसे नहीं है, सिर्फ इस इंटरनेट सिग्नल के पैसे हैं, ठीक है, इनकी इसको ज्वाइन करने के पैसे हैं, बाकी हर चीज एवरीथिंग इज फ्री। या फिर मैंने जो लर्निंग है इसमें मैंने एक कोर्स भी रखा हुआ है, स्मार्ट मनी का कंसेप्ट है और सप्लाई डिमांड का है, जो उनसे बंदा लेना चाहिए उसके चार्जेस हैं, बाकी कोई चार्जेस नहीं है। बाकी हर चीज मैं चाहता हूँ कि मैं अपना नॉलेज शेयर करूँ और आप लोगों को अच्छे से अच्छा बेनिफिट दे सकूँ। चलें आज की जो हमारी एंट्री है, हम एंट्री की तरफ चलते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से बेनिफिट दे सकूं। तो इसको मैंने कैसे फाइंड किया है मैं अभी दिखा देता हूं आप लोगों को। अब जो हमारे पास है ये स्ट्रक्चर ब्रेकआउट है, सही है, और इसके जो हमारे पास आर्डर ब्लॉक है, आर्डर ब्लॉक हम एक ही लगाते हैं, हम दो नहीं लगाते, तो हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक परफेक्टली ऑर्डर ब्लॉक है वो ये वाला है। अब यहाँ तक तो मार्केट आना ही आना है, ठीक है। तो अब यहाँ तक हम हमारे पास दो ऑप्शन है, मैं डबल माइंडेड यूज करता हूँ, ठीक है। एक ये है यहाँ पे मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा बाय की, एक ये चीज होगी। दूसरी चीज जो है यहाँ से मैं स्ट्रक्चर देख के मैं एंट्री फाइंड करता हूँ, सही है, यानी कि रिवर्सल भी एंट्री में फाइंड करता हूँ, मोस्टली मैं रिवर्सल भी एंट्री फाइंड कर लेता हूँ। तो अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे मेरा एक और तरीका है एंट्री फाइंड करने का। आप लोग हर किसी का अपना मेथड होता है। अब मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक फेल करवाया, यानी कि डिमांड जोन फेल करवाया, डिमांड जोन फेल करवाया, अब यहाँ पे हमारा ब्रेकर हुआ है, सही है, और यहाँ पे जो है हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था लेकिन मार्केट ने ये टच नहीं किया, इसको ऑर्डर नहीं उठाया, तो कोई बात नहीं, आप लोग मेरे पेड ग्रुप में हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। मैंने यूरो जेपी वाई की एंट्री जो करवाई थी वो मैंने यहाँ से करवाई थी, इस एरिए से करवाई थी, और मेरा जो टारगेट था वो ये वाला था, तो मेरा जो ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने उठाया था वो ये वाला उठाया था, यानी कि ये वाला मार्केट यहाँ पे ऑर्डर पे आई और मैंने यहाँ से एंट्री करवाई थी ना कि यहाँ से, ठीक है। ये मेरे पास ब्रेकर था, ये मेरे पास सेकंड ब्रेकर था, यहाँ से मार्केट ने डाउन आना था, मैंने इसको फिर करवाया था M15 में कन्वर्ट। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये देखें, यहाँ पे फिर मैं गया था M15 में, तो M15 में मैंने यहाँ से देखें ये मेरा ब्रेकर, ये है CHOCH यानी कि चेंज ऑफ करेक्टर, यानी ये तो BSO है, मीन के ब्रेकर है, तो यहाँ पे मेरे डिमांड जोन आउट हुआ है, यहाँ से आउट हुआ, और यहाँ से मेरे पास नियर बाय ये था जो था, या क्या कहते हैं पोजिशन पॉइंट, तो मैंने यहीं से सेल करवाया था, ठीक है। एक यहाँ से सेल हुआ था और एक मेरा यहाँ से सेल हुआ था। आप लोग मेरे पेड ग्रुप में हैं और फ्री ग्रुप में भी हैं, और पेड ग्रुप में भी हैं तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, एक मेरा यहाँ से सेल था, यहाँ से यानी कि मार्केट ने हमारा ब्रेकर दिया, ब्रेकर दे के मार्केट ने अपना ऑर्डर उठाया, ऑर्डर उठा के डाउन, यहाँ से हमारी एंट्री थी, यहाँ इस एरिया से हमारी एंट्री थी, यहाँ से। अब अगर हम H4 में जाते हैं तो H4 में हमें पता चलेगा कि हमें मार्केट ने अच्छा खासे पिप्स दिए हैं, ठीक है। देखिए एक टाइम फ्रेम से हमें मार्केट का पता नहीं चलता, हमें थोड़ी सी वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, जैसे हमें अच्छा खासा पता चल जाता है कि मार्केट हमारे साथ क्या करने वाली है, और ये हमारा टारगेट था जो कि मार्केट ने डन किया है, ये वाला टारगेट था, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा पिछली एंट्री का टारगेट डन हो गया,
ये देखें, सही है, ये वाला हमारा टारगेट था। ये स्टॉप लॉस रिस्क रिवॉर्ड चेक कर सकते हैं, 1.4 है। तो अब मजीद जो मैंने एंट्री फाइंड की है H4 के अंदर, वो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, जो अभी हमारी रनिंग में है। सही है, अब रनिंग में क्या सही एंट्री है। अब ये वाला हमारे पास ब्रेकर है। अब हमारे पास ऑर्डर फ्लो खाली पड़ा था, एक होता है ऑर्डर ब्लॉक और एक होता है ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो कौन सा होता है? ऑर्डर फ्लो वो होता है जो 0 पॉइंट पे हो। सही है, तो अब 0 पॉइंट पे जो मेरे पास ऑर्डर पड़ा था वो ये सारा जोन था, रेली बेस्ट ड्रॉप का। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर तो मुझे मिल गया, अब यहाँ से मैंने करनी थी मजीद वेरिफिकेशन। सही है, अब यहाँ पे चेक करें आप लोग, यहाँ से मेरे पास ब्रेकर हुआ है। सही है, और हमारे पास जो जबरदस्त ऑर्डर था वो ये वाला था, मैंने यहाँ से एंट्री करवाई है। आप लोग सुबह में भी आप लोगों के पास ये एंट्री आई होगी, यहाँ से मेरी एंट्री हुई है। एक ही मैंने यहाँ से एंट्री करवाई है, यहाँ से फिर मैंने जो दूसरी एंट्री करवाई है वो मेरी यहाँ से एंट्री है। यहाँ से ये स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, और इसके बाद मुझे मिला है यहाँ पे ब्रेकर और चेंज ऑफ स्ट्रक्चर मिला है, और उसके बाद मार्केट नीचे आती रही है। नीचे आके फिर मार्केट ने जब ये वाला जोन टच किया है तो मैंने यहाँ से एंट्री करवाई है। अभी तक स्टिल मेरी एंट्री रनिंग में है। ठीक है, और इसके जो टारगेट है स्टॉप लॉस इसका भी वही था, मैंने यानी कि जो जोन का हाई है वो मैंने रखा था स्टॉप लॉस, यानी कि मैंने यही हाई रखा था, मैंने जोन का हाई स्टॉप लॉस रखा है, क्योंकि हम एक जोन के अंदर एंट्री कर रहे थे, हमें जोन का ही हाई असल और टारगेट रखना चाहिए। ठीक है, तो इसके जब टारगेट रहेगा हमारे पास, ये वाला हमारे पास टारगेट रहेगा, ये वाला। अब आप लोग रिस्क रिवार्ड चेक कर सकते हैं, 1.13 है। ठीक है, तो आप इसमें अच्छा खासा रिस्क ले सकते हैं, तो आप इसमें अपना बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने ये स्ट्रेटजी सीखनी है तो इतनी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी स्ट्रेटजी है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस है, थोड़ी सी मेहनत है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों ने मुझे डिस्कॉर्ड के ऊपर फॉलो करना हो तो आप लोग डिस्कॉर्ड के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। तो बाकी अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर भी फॉलो करना है तो आप लोग इजीली मुझे फॉलो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है जी, ओके जी, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।